हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ एक पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही क्विक पुडिंग है, तो उसके लिए क्योंकि जो मेरे घर में ऐसा है कि अगर डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बेटी को डेजर्ट्स बहुत पसंद है, तो डेजर्ट के चक्कर में वो खाना खा लेती है। तो क्या होता है कि मैं खाना बनाती हूँ तो उसका पहले क्वेश्चन होता है डेजर्ट में क्या है। तो इसलिए मुझे हर हर एक दिन छोड़ के मुझे डेजर्ट में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो आज मैं उसके लिए वो बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं एक क्विक डेजर्ट, बना के हम फ्रिज में रखेंगे, बनेगा वो फटाफट, बट हमें उसके चिल्ड होने की वेट करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं बनाते। आपको इसके लिए मैंने 2 बिस्किट के स्टिक्स लिए। आप इसमें कोई भी बिस्किट ले सकते हो, चाहे मारे बिस्किट ले लेना या डाइजेस्टिव भी ले सकते हो। तो इसको आपको ब्लेंडर में मिक्सर में चला देना है और चला के इसका पाउडर बना लेना है। और अब आपको 150 ml जो है बटर लेना है, मेल्टेड बटर है वो इसमें, इस बिस्किट्स के जो पाउडर है उसमें ऐड करना है। 1 स्पून जो है वो आपको बचा लेना है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे सारा बटर और जो बिस्किट्स है वो आपस में मिल जाए। अब आपको इसको अच्छे तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद आपको इसको एक कंटेनर में सेटल डाउन करना है ताकि जो इसमें जितनी भी एयर फॉर्म हुई है ना वो सारी निकल जाए। और इसको दबा देना है कि कहीं भी कुछ भी स्पेस ना बचे कि, और ये आपस में हर पार्टिकल अच्छे से जुड़ जाए। आपको इसको दबाना है 1-2 मिनट लगे के, आप इसको प्रेस करते जाना तो ये अच्छे से इनके जो बॉन्ड है ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये एक हार्ड हो जाएगा काफ़ी। तो इसको अच्छी तरह से आपको इस तरह से भी प्रेस करना है कि बिल्कुल ये कहीं भी इसमें एयर बचे ही ना और ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है। इसको सेटल डाउन करके फ्रिज में रखेंगे, उतनी देर में हम पुडिंग बना लेंगे, कोकोनट पुडिंग। तो इसको आपको दबा देना है अच्छे से, बस इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि ये बहुत अच्छे से दब जाए। बार बार आप 1-2 बार आपको इस तरह से दबाना पड़ेगा, इसको इस तरह से प्रेस कीजिएगा। अब इसको फ्रिज में रख देंगे, जितनी देर पुडिंग बनेगी उतनी देर ही फ्रिज में रखेंगे ताकि ये और अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने 400 ml कोकोनट मिल्क लिया और 200 ml क्रीम ली है और इनमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जो है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो आप। 2 टेबलस्पून डाल लें इतने में, आपका ये 600 ml का जो है हमारा मिक्सचर है, क्योंकि 200 ml हमने क्रीम डाली है, 200 ml और 400 ml जो है कोकोनट मिल्क है वो हमने ऐड करा है। 1/2 cup यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ, ब्राउन शुगर, और 100 ग्राम यहाँ पे डार्क चॉकलेट आप ऐड करेंगे, और 1 स्पून जो हमने बटर बचाया था ना वो हम ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से आपको अब क्या करना है, मिलाना है। और मिलाने के बाद आपको फिर गैस ऑन कर देनी है और गैस ऑन मीडियम फ्लेम रखनी है आपको। मीडियम फ्लेम पे आप इसको मिक्स करते जाइए कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाए, और जितनी हमें ये थिकन करना है उतना हम थिक कर लेंगे। इस तरह से आप मिक्स करते जाइए, चॉकलेट जो है पहले मेल्ट होगी, फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, आपको एक बहुत ही ग्लॉसी सा टेक्सचर आएगा, चॉकलेटी ग्लॉसी टेक्सचर। देखिए आप इसको स्लो, बिल्कुल स्लो हीट पे कीजिएगा मिक्स। इस टाइम पे आपको ध्यान भी बहुत रखना है, कंटिन्यूसली आपको इसको स्टर करते जाना है, और अच्छी तरह से आप स्टर करेंगे तो कोई भी लम्स नहीं बचने चाहिए। आप इसको स्टर करते जाइए, यहाँ पे आपको हाथ नहीं रोकना, कंटिन्यूसली स्टर करना है और इसको अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए। और ये जो है ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चीज़ है, ये डेजर्ट बहुत अच्छा लगता है, बड़ी जल्दी बन जाता है, आप 10 मिनट में ये तैयार कर लोगे, बस जो चिल्ड करने में टाइम जाएगा ना वही जाएगा। तो इसको आपको इतना थिक कर लेना है, देखिए इस कंसिस्टेंसी पे आप इसको रख लीजिएगा।
ये बिल्कुल ठीक है। अब जो हमने बिस्किट्स का जो सेटल करा था ना लेयर, जो उसके ऊपर आप इसको इस कोकोनट की जो चॉकलेट की लेयर है पुडिंग की, वो आप उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा। और इसको स्प्रेड करने के बाद आप थोड़ी सी कुछ भी अपनी पसंद से भी कुछ और भी स्प्रिंकल कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा कोकोनट ही कह रहा है क्योंकि ये कोकोनट फ्लेवर ही मैं बनाना चाह रही थी, इसलिए वो ही उसको ही डोमिनेट कर रखा है मैंने, उसी के फ्लेवर को। और ऊपर थोड़ा सा मैं कोकोनट स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रिज में 5 से 6 घंटे मिनिमम रखिएगा, तभी ये अच्छे से सेटल हो जाता है और आप खा सकते हो। और अब मैं इसको कवर करके और फ्रिज पे रख दूंगी। और ओवरनाइट पे रख सकते हो अगर आपको ओवरनाइट रखना है तो। और ये हमारा तैयार हो गया, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका था, मैंने फ्रिज में रखा तो ऑलरेडी मेरा बेटा इसको पहले ही खा चुका था, तो इसलिए मैं पुरानी दिखा पा रही आपको। तो ये इस तरह से आप पीसेस भी कीजिए और आप सर्व कीजिए, ये बहुत ही एक डिलीशियस रेसिपी बन जाती है आपका डेजर्ट की। और जो आप कभी भी आप कोई आपके गेस्ट आने वाले हो तो आप पहले ही प्रिपेयर करके रख सकते हो कुछ डिनर के लिए हो। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही पसंद आती है, मेरी बेटी को ये बहुत ही पसंद आती है, बट रोज़ रोज़ नहीं खा सकते ऐसी चीज़ें। हाँ, मंथ में एक बार ज़रूर आप ये बना सकते हो और अपने बच्चों को खिला सकते हो, बहुत ईजी है। तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।